सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया है। आज किसी भी वक्त दोनों आरोपियों को मुंबई ले जाया सकता है। दोनों आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों का नाम सागर पाल है और विक्की साहब गुप्ता है। शुरुआती पूछताछ में जो सामने आया है उसके मुताबिक सागर ने सलमान के घर पर फायरिंग की। मुंबई पुलिस की तफ्तीश में ये बातें सामने आई हैं कि सलमान के घर पर फायरिंग की साजिश पहले से रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों हमलावर एक महीने से पनवेल में रह रहे थे। राधाकृष्ण अपार्टमेंट हरिग्राम इलाके में स्थित एक फ्लैट आरोपियों ने किराए पर लिया था। साजिश को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की चार बार रेकी की थी। आरोपियों ने फायरिंग से पहले पूरी तरह गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की थी। इसके बाद दोनों आरोपी विकी और सागर बाइक पर सवार होकर रविवार को तड़के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने पहुंचे। वहां चंद सेकंड रुकने के बाद फायरिंग की और फिर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल की गई बाइक रायगढ़ से सेकंड हैंड खरीदी गई थी। सलमान के घर फायरिंग करने वाले हमलावर पूरे इलाके से कितनी अच्छी तरह वाकिफ थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फरार होने के लिए कई रास्तों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने के बाद दोनों आरोपी बाइक से बांद्रा स्थित माउंट मैरी चर्च पहुंचे और अपनी बाइक यहां छोड़ दी और फिर कुछ दूर पैदल चल गए। इसके बाद आरोपियों ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया और इसके बाद दोनों आरोपी बोरीवली की ओर जाने वाली एक ट्रेन में चढ़ गए और सांताक्रूज रेलवे स्टेशन पर उतरकर बाहर चले गए। पुलिस की पूरी जानकारी सीसीटीवी फुटेज से मिली। पुलिस ने जब इन सारी जगहों के सीसीटीवी खंगाले तो इन जगहों के फुटेज में आरोपी नजर आए। इसके बाद पुलिस इसके आगे की भी फुटेज में खंगालने में जुट गई। पुलिस को जो जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसमें आरोपी का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ये फोटो गुड़गांव के गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का बताया जा रहा था, जो गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है, जिसने हाल ही में रोहतक में एक बुकी की हत्या की थी। लोकेशन ट्रैक करने से पता चला कि दोनों आरोपियों ने सांताक्रूज से गुजरात की ट्रेन ली और बसते बसते मुंबई से करीब 850 किलोमीटर दूर गुजरात में भुज के कच्छ पहुंचकर अंडरग्राउंड हो गए। वहां जैसे ही पश्चिमी कच्छ क्राइम ब्रांच को उसकी खबर लगी तो तुरंत उसने दबिश दी और विकी तथा सागर को गिरफ्तार कर लिया। जिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर फायरिंग करवाने का शक जा रहा था वो इस समय गुजरात के ही साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। हालांकि आरोपियों के गुजरात पहुंचने और लॉरेंस के साबरमती जेल में होने का कोई कनेक्शन अब तक सामने नहीं आया है। इस हमले की जिम्मेदारी को लेकर एक फेसबुक पोस्ट भी वायरल हो रहा था। इसमें दावा किया जा रहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग कराई है। गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले फेसबुक पोस्ट का आईपी एड्रेस जो था उसका पता पुर्तगाल बताया जा रहा है। पुलिस का संदेह है कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई द्वारा कथित तौर पर फेसबुक पोस्ट अपलोड करने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था। जिम्मेदारी लेने वाले एफपी पोस्ट रविवार सुबह करीब 11 बजे सामने आया, जिसे कुछ घंटे पहले सुबह करीब 5 बजे खान की आवाज पर दो अज्ञात बाइक सवार लोगों ने गोलियां चलाई थी। आपको बता दें कि हिंदी में लिखी गई पोस्ट में गोलीबारी की एक घटना और ट्रेलर बताया जा रहा था। इसमें लिखा गया था कि हमने आपको केवल एक ट्रेलर दिखाया था ताकि आप हमारी ताकत की भयावहता को समझें और इसका टेस्ट ना लें। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद से इस मामले में लगातार अपडेट आ रहे हैं। मामले की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम कर रही है। मामला काफी सेंसिटिव है और फैंस भी सलमान खान की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। हर तरफ बस इस मुद्दे पर ही बात की जा रही है। सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दो शख्स में से एक के नाम का खुलासा हो गया है। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले कालू का नाम सामने आया है। इसके अलावा इस केस में अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन एक दिन के अंदर हुई है उसकी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं। मुंबई पुलिस उस बाइक मालिक तक पहुंच गई है जिसकी बाइक पर सवार होकर बदमाशों ने फायरिंग की थी और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि जिस बाइक से शूटर्स आए थे वो बाइक रायगढ़ जिले के पैन तहसील का रहने वाला एक शख्स की है। जांच में ये बात सामने आई है कि ये बाइक उस शख्स से सेकेंड हैंड खरीदी गई थी। पुलिस उससे पहले बाइक ओनर तक पहुंच गई है। उसने खुलासा किया है कि उसने ही इस बाइक को कुछ समय पहले बेच दिया था। लेकिन आरोपी बाइक मालिक तक किससे रेफरेंस से गए, उन्हें बाइक बिकने वाली है इसकी जानकारी किसने दी, बाइक मालिक से जान पहचान कैसे हुई, या कोई मिडिल मैन बीच में था, डायरेक्ट किसी बाहरी शख्स को बाइक कैसे और क्यों बेची, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी लंबे समय से मुंबई और उसके आसपास के शहरों में ही था। बाइक खरीदने के लिए उसने सलमान के घर के बाहर रेकी भी की थी और एक बार नहीं कई बार की थी। यानी कि खतरा
ईद के दिन भी सलमान खान के इर्द गिर्द मंडरा रहा था। ऐसी जानकारी है कि इसके लिए उस बाइक का इस्तेमाल करते थे आरोपियों ने रेकी। सिर्फ सलमान के घर फायरिंग की ही नहीं, बांद्रा से निकलने के लिए हर एक सड़क की भी की थी जो खास तौर पर सुनसान होती है। इसलिए उन्होंने माउंट मैरी की सड़क चुनी जहां से आसानी से बाइक पार्क की और फिर फरार हो गए। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि आरोपी गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग के बाद जब माउंट मैरी पहुंचे तो उन्होंने बाइक छोड़ एक ऑटो को पकड़ा, उससे बांद्रा गए और फिर ट्रेन पकड़ी, वहां से सांता क्रूज स्टेशन उतर गए, वहां से फिर ऑटो पकड़कर वाकुला गए। लेकिन वाकुला से आगे का मूवमेंट अभी पुलिस लोकेट नहीं कर पाई है। इस बीच केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया है। सलमान के घर पर फायरिंग सुबह 4:43 पर हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में ये फैक्ट सामने आए हैं। उसके बाद आरोपी महबूब स्टूडियो वाली सड़क पर गए, ऑटो वालों से हाईवे का रास्ता पूछा, लेकिन वो गुमराह करने के लिए था। ऐसा शक है क्योंकि फिर वे महबूब स्टूडियो सर्कल से गोल घूमकर माउंट मैरी गए, वहां अपनी बाइक छोड़ी और फिर बांद्रा स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ी। दोनों आरोपियों ने बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 की बोरी वाली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। ये भी सीसीटीवी की फुटेज से सामने आया है। 5:13 पर वे सांता क्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। ये फुटेज भी पुलिस ने खंगाल ली है। सांता क्रूज स्टेशन से वे पहले वाकुला की तरफ बाहर निकले और वहां से ऑटो पकड़ा। इस ऑटो वाले को भी हिरासत में लेकर बयान दिया गया है। अब आगे की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। कैसे, कब, क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। सुबह 4:43 पर बाइक पर आए दो अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग की। इस दौरान 5 राउंड की फायरिंग की गई, जिसमें एक बुलेट बालकनी के जरिए घर में गई, एक दीवार पर गई, 3 जमीन पर और एक जिंदा कारतूस मिले। आरोपी महबूब स्टूडियो की तरफ गए, ऑटो वालों से रास्ता पूछा, लेकिन सूत्रों की माने तो ये उन्होंने जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए किया था। आरोपी फिर माउंट मैरी चर्च की दिशा में गए, वहीं बाइक छोड़ी और फिर वहां से सीसीटीवी ट्रेल में आरोपी बाइक छोड़कर किसी अन्य गाड़ी से निकल गए। सीसीटीवी ट्रेल में आरोपी बांद्रा स्टेशन में ट्रेस किए गए। फोटो में आरोपी का क्लियर चेहरा दिखा जो गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का था, जो कि गुड़गांव का है और रोहित गोदारा के लिए काम करता है। उसने रोहतक में हाल ही में स्क्रैप डीलर की हत्या की थी। इसके बाद वे बांद्रा स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़कर सांता क्रूज गए और वहां से ऑटो पकड़ी। अब पुलिस को शक है कि स्थानीय लोकल कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसी बीच फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मुंबई पुलिस को जांच में पता चला है कि जिस फेसबुक पोस्ट को अनमोल बिश्नोई ने किया था उसका आईपी एड्रेस कैनेडा का है, लेकिन शक है कि इस पोस्ट के लिए वीपीएन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि जिस अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट किया था सूत्रों के मुताबिक उसकी करंट लोकेशन कैलिफोर्निया की है। अनमोल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद फर्जी पासपोर्ट पर फरार हो गया था। हालांकि उसे एक बार अजरबैजान में लोकेट किया गया था, लेकिन वहां से भी उसे निकाल भागने में कामयाबी मिली। हालांकि उसके एक साथी सचिन थापन को पकड़ने में एजेंसियों को कामयाबी मिली है। वहीं एटीएस टीम कल सलमान के घर मौजूद थी। ऐसे में समानांतर जांच अपने स्तर पर कर रही है एटीएस टीम और इस मामले में विदेश में बैठे बिश्नोई गैंग से जुड़ी होने वाली वजह। इस मामले में एनआईए ने केस से जुड़ी एक फाइल मांगी है। ऐसे में आशंका है कि पुलिस पर दबाव भी है कि अगर जल्द ही केस क्रैक नहीं हुआ तो इस मामले में एनआईए की भी एंट्री हो सकती है। वहीं सलमान से मिलने के लिए उनके करीबी उनके घर पहुंच रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ये सब बिश्नोई गैंग का किया घरा है